हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फास्ट फूड मैनेजर। तो गाइस आज हम अपने सिटी के सबसे फेमस और सबसे अमीर बिजनेसमैन बनने वाले हैं। हमारे ऐसा रेस्टोरेंट का चेन किसी के पास नहीं है भाई। हम अपना घर भी अपग्रेड करेंगे, उसी के साथ साथ अपना रेस्टोरेंट में भी कुछ चीजें लगाएंगे भाई, ताकि सारे रेस्टोरेंट का रेटिंग 5 स्टार हो जाए। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस, तो आ चुके हैं हम अपनी सिटी के अंदर। सबसे पहले अपने रेस्टोरेंट चालू कर देते हैं एंड आप देख सकते हो कि हमने थोड़ा बहुत चेंज किया भाई। मैंने यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे चेयर और टेबल्स लगा दिए हैं, तब लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन भी चेंज किया है ताकि और भी बढ़िया लगे। होपफुली ये अब अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे दूसरे रंग कह लें अपने, नहीं आई थिंक सेम ही है, बट जो भी है। चलो अपने दूसरे तीसरे और चौथे रेस्टोरेंट की तरफ भाई। मतलब अपने पास बहुत सारे रेस्टोरेंट है, इतना तो किसी के पास नहीं होगा। इस गेम में स्टीम में एक्चुअली में एक अचीवमेंट दिखाता है जो कि है गो इनटू द नाइट क्लब, बट मेरे को नाइट क्लब अभी तक एंट्रेंस मिला नहीं है। नाइट क्लब मेरे को जरूर मिल गया है बट मेरे को एंट्रेंस नहीं मिला है। पता नहीं क्या चक्कर है, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये। खैर ये रहा दूसरा हमारा रेस्टोरेंट। यहाँ पे भी देख सकते हो काफी सारी चेंजेस किए हैं अपन ने। ये चीज है, ये फ्रेंच फ्राइज है, ये बंस है, और ये देखो भाई टेबल ही टेबल भाई, अपन ने पूरे तरीके से भर दिया है इसको। तो काफी लोग आएंगे यहाँ पे और सारे इक्विपमेंट भी लगा दिए अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किसी को। बाकी अपने जो दोनों स्टॉल है उसमें थोड़ा अपन ने कस्टमाइजेशन किया है, जैसे ये रहे दो टेबल। यहाँ पे एक टेबल लगा हुआ है जिसको अपन ने लगाया नहीं है, कुर्सी नहीं लगाई है उसकी। यहाँ पे भी अपनी सारी चीजें हैं। और ये रहा अपना चौथा रेस्टोरेंट जिसमें दो टेबल है और यहाँ पे मैंने दो कुर्सी लगा दी ऐसी फोकट के लिए। तो इसको मैं चालू कर देता हूँ। अरे बाहर से चालू करना पड़ेगा मेरे को, इधर से रास्ते नहीं मिल रहा। ओके अपने चारों रेस्टोरेंट चालू हो चुके हैं भाई। यहाँ पे अपन ने अच्छा सजा भी दिया है भाई ताकि थोड़ा बढ़िया लगे। यहाँ पे अगर लाइट लगा पाते ना तो और भी सही रहता। चलो ओपन करते हैं अपना आखिरी रेस्टोरेंट। यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा अपन ने कलर चेंज किया है पहले से, और मैंने यहाँ पे 5 टेबल लगाए हुए हैं भाई। इससे ज्यादा तो मेरे को जरूरत भी नहीं है, और प्लस यहाँ पे अगर एक एम्प्लॉई हायर करने देता तो बढ़िया रहता। मैं अपनी सर्विस रेटिंग देख लेता भाई, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। अब मैं इससे ऊपर क्या जाऊँ, मैं एक मिनट देख लेता हूँ अपने। देखो यहाँ पे सर्विस 5 स्टार है, कंफर्ट 5 स्टार है, हर जगह कंफर्ट ही 5 स्टार है। अभी आई थिंक काफ़ी टाइम से बंद था इस वजह से। और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मांगोगे, ये सब नहीं मिलता भाई। एक मिनट, यहाँ पे सिर्फ पिज्जा मिलता है, पिज्जा और कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। ये सब ढूंढने के लिए मत आओ। अल्कोहल हैं, पिज़्ज़ा चाहिए तो बोलो, नहीं तो निकलो पहली फुर्सत में, बहुत काम है हमारे पास। खैर मैं पिज़्ज़ा बनने के लिए डाल सकता हूँ भाई, यहाँ पर डाल देते हैं, ये बनता रहेगा, लोग आएंगे तब देखा जाएगा भाई। बट एनीवेज पैसा अपने पास काफ़ी अच्छा आ रहा है, एकदम सही चल रहा है सब कुछ। ओके पिज्ज़ा का ऑर्डर एक्चुअली में आ गया, वाह मेरे को लगा नहीं था। ये पकने में टाइम ले गया, थोड़ा टाइम दो भाई, थोड़ा टाइम देने का। जब तक ऐसे पक रहा है आप लोग सब्सक्राइब कर लो जाके नीचे, क्योंकि बहुत जल्दी हमारी VR गेम्स की सीरीज आने वाली है। यस हम लोग VR गेम्स बहुत जल्दी खेलने वाले हैं, तो हॉरर सिमुलेटर जितने भी बढ़िया बढ़िया गेम्स रहेंगे VR के अपन जरूर खेलेंगे। फिलहाल जब तक के लिए तो ये बन चुका है भाई, तो अपन इन अंकल को ये पकड़ा देते हैं। इनका स्लाइस ओके वेरी गुड वेरी नाइस ईजी। और ये भी कुक हो चुका है एक्चुअली में, तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ भाई। अरे देखो वहाँ वहाँ पड़ा हुआ है आपका पिज्ज़ा, उठाओ खाओ, हमें क्यों तकलीफ दे रहे हो हैं। ओ टॉपन बन चुके हैं अपन, हेलो लेट्स गो फिनिश द गेम। ओ एक मिनट, बटन आ रहा है यहाँ पे फिनिश द गेम करने का। ऑल राइट ओके भाई साहब, अपनी रेटिंग देखो आसमान की ऊंचाइयों में, कोहरा ही कोहरा है सबसे ऊपर। अरे पिज्जा चाहिए भाई, तुम लोग को पिज्जा, लो भाई आज तो पार्टी मेरी तरफ से। ये लो भाई सर आपका पिज्जा तो यहीं पड़ा है, उठा के पी लो भाई, हमें क्यों पूछ रहे हो। अपन तो ये रेस्टोरेंट बंद करे भाई, और क्या अपन यहाँ पे किसी को हायर कर सकते हैं, प्लीज टेल मी अपन किसी को हायर कर सकते हैं। अरे रे इतने बड़े रेस्टोरेंट का फायदा ही क्या हुआ जब अपन किसी को हायर ही नहीं कर सकते यहाँ पे, व्हाट इज द पॉइंट। मेरे को भाई नाइट क्लब में जाना है, लेकिन मेरे को घुसने नहीं दे रहे लोग कहीं से भी। हेलो भैया अंदर जाने का रास्ता आपको पता है क्या? नहीं पता मेरे को, समझ नहीं आया वो अचीवमेंट डाला ही क्यों है इन्हें जब नाइट क्लब में जा ही नहीं सकते अपन। मैं ना अभी सारे गेट में जाने का ट्राई करूंगा भाई, जितने भी गेट है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मैकडॉनल्ड्स में कोई आ नहीं रहा, हेलो बागी होगा भाई, यहाँ पे गड़बड़े होती रहती हैं। वैसे अपने अच्छा मैकडॉनल्ड्स में चीज़ें चाहिए वैसे तो कुछ, अभी अपन जाके दे देते हैं भाई। रोलर ग्रिल चाहिए दबाब कबाब में, एक मिनट रोलर ग्रिल अपन दे के नहीं आते। कोई नहीं अपन यहाँ से बियर उठाते हैं भाई, बियर का पैक मतलब 20-30 दे सकते हैं एक बार में, अब इतना पैसा है। डोनट ले लेते हैं,
डोनट भी 20 उठा लेते हैं हम, उसी के साथ चॉकलेट बार्स इजी, प्रेस स्किल अपने को वहां से मिलेगा, कॉफी मशीन भी वहां, एनर्जी बियर पैक, लेगर, व्हाट इज लेगर, लेगर क्या होता है भाई, लेगर ये रहा लेगर गाइस, बर्गर बंस और केचप, ओके तो केचप अपने यहां से उठाते हैं, 5 ले लेते हैं और बर्गर बंस, ये तो हॉट डॉग बंस है, ये रहे बर्गर बंस, बर्गर ओके सब कुछ हो गया भाई, रोलर ग्रिल और मेरे को वहां पे अच्छा कुछ कुछ चीजें और चाहिए, एक मिनट, तो मेरे को कॉफी मशीन लेना है मैकडोनल्ड्स के लिए और प्रेस ग्रिल लेना है, ये रहा अपना एक इन्वेंटरी फुल, ओके वही नहीं अब 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 इलाके दे देंगे हम वापस, तो मैडम ये रही हमारी चीज़ें, आपकी चीज़ें आई मीन, एक मिनट ये लो सब रख लो, सब रख लो जो है सब रख लो आप, अरे ये क्या था भाई, ऐसे नहीं फेंकना था, ये लो मैडम, अच्छा ऐसे नहीं ले सकते, कोई बात नहीं उसको पड़े रहने दो, अब आप ही साफ करना भाई, हम तो नहीं करेंगे हैं, पकड़ने बोला था हाथ छूट गया आपके, मतलब कैसे अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी देख रहे हो आप लोग, बिजनेस अपन ने सबसे पहले एक कॉफी शॉप खोला ठीक है, उसके बाद अपग्रेड किया तो अपन ने हॉट डॉग बेचना चालू किया, उसमें भी कॉफी शॉप उसमें भी एक कॉफी मशीन डाल दिया, उसी उसके बाद अपन ने एक शवारमा / कबाब शॉप खोला, उसमें अपन ने हॉट डॉग भी डाला और कॉफी मशीन भी डाला भाई ठीक है, फिर अपन ने चौथा खोला अपना मैकडोनल्ड्स, जहां पे हमने बर्गर हॉट डॉग शवारमा सब कुछ बेचना चालू किया, फिर आखिरी में अपन ने सब कुछ तो ऐड किया ही, उसी के साथ साथ पिज्जा भी ऐड कर दिया भाई, मतलब दिमाग भाई दिमाग, रोलर ग्रिल, एक मिनट रोलर कौन सा, तो ये रहा रोलर और कॉफी मशीन, ओके भाई देखो हम सब ला के तो दे रहे हैं, आप हमें पैसा ला के दो भाई, $3 का प्रॉफिट इतने बड़े रेस्टोरेंट से भाई मैं क्या करूंगा, वाटर चाहिए भाई इसको, पानी की कमी तो मैडम आपको प्रेस ग्रिल चाहिए, ओके तो ये रहा आपका, नहीं अच्छा मेरे को प्रेस के लिए यहाँ लगा देना है बस, ग्रिल, ग्रिल ये लो मैडम कोने में बस इतनी जगह थी, कॉफ़ी मशीन यहाँ रख दूँ, ओके अच्छा यहाँ रख देता हूँ, जो जिसको चाहिए होगा खुद ले जाएगा, बाकी दबाव कबाब में अपने को रोलर ग्रिल दे के आना है, ओके ठीक है, ये लो आपका रोलर ग्रिल यहाँ एडजस्ट कर लो भाई, ठीक है मैडम सॉरी इतनी जगह थी, अब जैसे यहाँ पे कार का शोरूम में मैप में भी दिया है, बट अपन यहाँ पे जा नहीं सकते, कारें बढ़िया बढ़िया हैं वैसे यहाँ पे, बट स्टिल वी कैंट गो देयर, व्हाई दिस कोलावरीडी, और नाइट क्लब में एक्चुअली नाइट क्लब या फिर कहीं तो बेटिंग का एक सिस्टम है, क्योंकि स्टीम के अचीवमेंट्स में एक बेटिंग का भी अचीवमेंट है, जिसमें लिखा है कि बेट इतना विन द जैकपॉट, लेकिन वो भी कहीं मेरे को मिला नहीं, मेरे को एक चीज टेस्ट करनी है, वॉट इफ मैं यहाँ से कुर्सियाँ ले लेता हूँ भाई, देखते हैं अपन, अपने पास पैसा तो है ही, अगर मैं 30 कुर्सी ले लूँ भाई, एक मिनट मेरे को अपने घर का भी सामान खरीदना था, मैंने पैसे काफ़ी लगा दिए यहाँ पे, ओके और मेरा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है भाई, मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट गरीबो डोनट से आ रहा है, अपने सबसे पहले रेस्टोरेंट से भाई, क्या समझ ही नहीं आया भाई, वहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी बेचते हैं हम, ऑब्वियसली कॉफ़ी सबसे ज़्यादा चलता है, बट कैसे वहाँ पर सिर्फ कॉफ़ी बेच रहे अपन और कुछ नहीं, अब यहाँ पे भाई मैं सारे के सारे ऐसे एक कुर्सियाँ लगा दूंगा भाई लाइन से, ऐसा लगेगा अपन वेटिंग रूम में बैठे हैं, लोग अब यहाँ आए और कॉफ़ी पिए और मस्त चलते बने अपना, 30 कुर्सी मतलब समझ रहे हो, एक बार में 30 लोग, ऐसा ये बैठ भी गया आखे वाओ ये लो कितने की लाइन बन गई, आई डोंट नो, बट अपन इसी के पीछे और लगाते जाते हैं, जितने लग जाए भाई आई डोंट केयर, मैं सही बता रहा हूँ, मैं फिर सब बंद कर दूंगा और मैं सिर्फ ये एक एक रेडी पे फोकस करूंगा भाई, एक स्टॉल पे फोकस करूंगा, लिटरली देखो भाई मूवी देखने आए लोग, ये क्या चल रहा है, व्हाट टिंग टांग हेलो व्हाट द हेल, ये क्या है भाई ये क्या है, ये क्या चल रहा है, हैं रुको अभी 14 और बचे ही हैं भाई, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ मैं, ये हुआ ना भाई असली स्टॉल, इतना फेमस स्टॉल तो किसी का नहीं होगा भाई, क्या अपना बंदा इतने लोग को सर्व कर पाएगा, डेफिनेटली कर पाएगा, 243 हो चुका है, ओके सब बंद हो गया भाई एक्चुअली में, तो अपने को जाके सोना पड़ेगा, बट आई थिंक कल का दिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला दिन होने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे 30 और 30 करीब चेयर लगा दी है, वाह
ओके, ये दो बची है तो अपन दो यहाँ लगा देते हैं भाई, एक इधर लगा देते हैं, यहाँ तीन लोग बैठ जाएंगे, और एक इधर लगा देता हूँ। ऑल राइट, वेरी गुड भाई, सही है ये तो। चलो हम सोने चलते हैं भाई, लेट्स गो। ऑल राइट, आ चुके हैं गाइस हम। बट मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अपन चीज़ें खरीद लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और यहाँ पे कुछ भी नहीं खरीदा हमने। तो $100 का शावर, जिसमें हम शावर नहीं कर सकते, पानी नहीं है क्योंकि, वेरी गुड। एंड टीवी तो देख सकते हो, टीवी पे ये तो मारियो का सस्ता कॉपी आ रहा है। टीवी कैबिनेट, कपबोर्ड, एंड ये अपना सोफ़ा, सोफ़ा में एक्चुअली सो सकते हैं। ओके, किचन को कुछ बना सकते हैं अपन, डोंट थिंक सो। यहाँ सोफ़ा क्यों है, अब सोफा उधर क्यों है, और फिर इधर भी एक सोफा है। क्या नाटक है ये। चलो अपन यहीं पे सो जाएंगे। $229 ऐड हुए भाई अपने पास, वेरी गुड। बट मेरे को देखना है कि आज हम लोग मैं डोनाल्ड से क्योंकि वहां पे सबसे सस्ती चीजें मिलती हैं, कितना कमा पाएंगे। मैं आज पूरा दिन यहीं रुकूंगा भाई। चालू करो, ये क्या है, नहीं मेरे को ये नहीं करना, ये चालू करो आप। अगर यहाँ पर डेकोरेशन भी कुछ ऐड कर पाते हैं ना तो बढ़िया रहता। मैं सोच रहा हूँ कि अपन क्या ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं अपने पास। अपने यहाँ पे मे बी पिज़्ज़ा रख सकते हैं भाई, ये लो लाइन से पिज़्ज़ा फेंक दो। मैंने एक ही फेंका अपन ने। क्या है बेस्ट डेकोरेशन का, इस रंगोली पिज़्ज़ा की रंगोली। ये क्या बन रहा है, वो ये तो वो लग रहा है भाई, वो जैसे लाइन नहीं लगाते और वो कोविड का मार्कर रहता है कि 1 फीट का डिस्टेंस रखे। वही है। अरे भाई, अब बस देखते हैं अपन कितना कमाएंगे। $3 चालू हो चुका है, मैं और किसी रेस्टोरेंट को नहीं देखूंगा। इधर एक बार है, इधर भी नहीं जा सकते हम, नो रास्ता, नो एंट्री। 5 minutes later ओके, मैंने सोचा था कि मैं नहीं चालू करूंगा बाकी रेस्टोरेंट, बट वहाँ पे इतने कस्टमर आ नहीं रहे, तो मेरे को लगता है शायद इससे लेना देना है कुछ, पता नहीं भाई, बड़ी तिकड़म विद्या है इसमें। ओके, अपने सारे रेस्टोरेंट चालू हो चुके हैं, वी आर इन बिजनेस, अब चल के देखते हैं। या फिर ऐसा होता होगा, अपन जिस टाइम लगाते हैं कुर्सियाँ सिर्फ उसी टाइम बंदे आते हैं, एंड उसके अलावा नहीं आते। ये क्या जगह है भाई, इधर हम आ चुके हैं पहले, लेकिन अंदर कुछ नहीं है जैसा कि मेरे को दिख रहा है, आसमान ही आसमान है उधर, और एक पत्थर रखा हुआ है। पता नहीं गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, बट मैंने यहाँ पे कॉफ़ी का प्राइस $100 कर दिया है एक का। क्या मतलब कोई $100 में कॉफ़ी लेगा हमारी, देखते हैं। अभी $28 है, अभी तो कोई आ नहीं रहा, और भाई एक्चुअली में सब खाली है, पता नहीं ऐसा लग रहा है इस बार प्लान फेल हो गया अपना, आई थिंक। एक मिनट, क्या अपन इसको कुछ दे सकते हैं, ए इसको अपन खाना दे सकते हैं। हेलो, ओ रुको रुको रुको, मैं कुछ पका के ला सकता हूँ, मैं पिज्जा ही बना के ला सकता हूँ। रुको गाइस, अभी अपन पिज्जा बना के लाते हैं, इसको अपन देंगे भाई। ये मेरे को लग रहा था कि वहाँ पे एक बेगर का भी अचीवमेंट था, तो अगर मे बी अपन इसको दे दे तो कुछ हो। लेट्स सी, पिज्जाज अपने पास पड़े ही हैं, बहुत पिज्जा। ओ यहाँ पे तो लोग आ रहे हैं अच्छे खासे, गुड, वेरी गुड। ओ आधा स्लाइस वाला पिज्जा है ना, चलो ये दे दे के आते हैं अंकल को। सर इस बार मैं आपके लिए लाया हूँ, ये लो। अच्छा, एक एक स्लाइस देना होगा। ओहो, अचीवमेंट अनलॉक हो गया, कैसा लग रहा सर, सही है सर, खाने के लिए इनफ था, पेट भर दिया हमने उनका। एक मिनट, कोई आया था, ओके कोई ले के नहीं गया कॉफी, हाँ अब मेरा सही गया है, कॉफी कोई लेके नहीं गया भाई, क्योंकि ये $100 की कॉफी कौन ले जाएगा। अरे यार, तो गाइज मेरा तो प्लान था कि यहाँ पे ऑडियंस बैठेगी, बट वो प्लान अभी फेल हो चुका है और लोग आ नहीं रहे हैं भाई। तो हमारा फाइनल चीज करना बाकी रह गया है, वो है फिनिश द गेम। क्या लगता है गाइज, कुछ होगा, लेट्स सी फिनिश। ये क्या है, डॉन नहीं बन गए भाई, बिजनेसमैन बने हैं, स्वैग है। अरे यार, ऊपर से पैसे तो ऐसे बरस रहे हैं जैसे इतने ही पैसे हो। थैंक यू, वेरी गुड गेम, वेरी गुड गाइस, मोजे आ गए, मोजे नहीं मजे, मोजे, सारे मोजे आ गए।
तो ये था गाइज एंड इस गेम का, एंटी क्लाइमेटिक था बट क्या कर सकते हैं गाइज। लेकिन फाइनली हम लोग मिलियनेयर भी नहीं बन पाए, लेकिन फाइनली हम लोग इस सिटी के सबसे फेमस और सबसे अमीर आदमी तो जरूर बन गए थे भाई। तो हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ। इसी के साथ हम आज का एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक बटन दबा देना गाइस। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि बहुत जल्दी ही वीआर गेम्स एंड और भी अलग अलग वीडियोज आने वाले हैं जिसमें बहुत मजा आएगा। तो हम लोग मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी सून।